इसमें आप एक साथ 5 सिम कार्ड कनेक्ट करके इंटरनेट बॉन्डिंग की सुविधा ले सकते हो। वाईफाई के थ्रू भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो और लैन केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। बॉन्डिंग भी इसके अंदर मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो आप ये जरूर जानते होंगे, कभी कभी हमें लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ऐसी जगह जाना पड़ जाता है जहां पर इंटरनेट बहुत ज्यादा पुअर होता है, नेटवर्क बहुत ज्यादा पुअर होता है। ऐसे में हमारी लाइव स्ट्रीमिंग प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाती। ऐसे में आपको जरूरत होती है इस तरह की इंटरनेट बॉन्डिंग डिवाइस की। यह है स्टीम टेक्नो ST70 स्ट्रीमिंग डिवाइस। यह एक तरह से ऑल इन वन डिवाइस है। इससे आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और इंटरनेट बॉन्डिंग भी इसके अंदर मिल जाती है। स्टीम टेक्नो की डिवाइस आपको इस तरह के ब्रीफ केस में मिलती है, यानी आप आराम से इसे कहीं भी कैरी कर सकते हो। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। तो मैंने इसे ओपन कर लिया है। बॉक्स के अंदर हमें इस तरह का एक एडाप्टर दिया गया है जिससे हम इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। इसके एक एंड पर 3-पिन प्लग दिया गया है और दूसरे एंड पर इस तरह का कनेक्टर दिया गया है। डिवाइस के अंदर बिल्ट इन बैटरी दी गई है जिसे चार्ज करने के बाद आप 3 से 4 घंटे का बैकअप ले सकते हो। इसके अलावा इसके साथ इस तरह की 2 डोंगल दी गई है जिनमें आप अपने 2 सिम कार्ड लगाकर यूज कर सकते हो। तो ये है स्टीम टेक्नो ST70 इंटरनेट बाउंडिंग राउटर। बहुत ही कमाल की डिवाइस है, कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है, बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। ऊपर की साइड यहां पर एक फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। स्टीम टेक्नो की बैंडिंग यहां पर दी गई है। डिवाइस में नीचे की साइड वेंटिलेशन के लिए बैंड्स दिए गए हैं और इस डिवाइस को आप ट्राइपॉड के ऊपर भी माउंट कर सकते हो। ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन इसमें दिया गया है। बिल्ट इन कूलिंग फैन भी इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर आपको बिल्ट इन बैटरी मिल जाती है जो कि आपको 3 से 4 घंटे का बैकअप दे देती है। डिवाइस में ऊपर की साइड 2 USB 3.0 पोर्ट दिए गए हैं जिन पर आप अपनी सिम डोंगल लगा सकते हो। इसके अलावा वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर कुछ बैंड्स दिए गए हैं, साथ ही साथ लेन पोर्ट यहाँ पर दिया गया है और डिवाइस के इस साइड यहाँ पर हमें एक HDMI इनपुट दिया गया है। इसके अलावा एक SDI इनपुट भी यहाँ पर दिया गया है, यानी आप अपने कैमरे वगैरह को SDI पोर्ट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो और HDMI पोर्ट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर ऑडियो इन का पोर्ट दिया गया है और ऑडियो आउट का पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। डिवाइस के राइट हैंड साइड में एक पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। पावर कनेक्टिंग के लिए एक पावर पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ 3 सिम कार्ड स्लॉट यहाँ पर दी गई है, एक SD कार्ड स्लॉट यहाँ पर दी गई है। इस डिवाइस से आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और इंटरनेट बॉन्डिंग की सुविधा तो इसके अंदर मिली जाती है। तो मैंने इस डिवाइस को ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर दिया है और ये है मेरा DSLR कैमरा। डिवाइस के साथ इस तरह के 2 डोंगल मिले हैं, इनमें मैंने अपने सिम कार्ड लगा दिए हैं। एक सिम कार्ड मैंने इसके अंदर लगा दिया है और दूसरा सिम कार्ड मैंने इस डोंगल के अंदर लगा दिया है। यहाँ पर USB 1 USB 2 2 पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर हम अपनी डोंगल्स लगा देंगे। तो दोनों डोंगल्स को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इसके अलावा इस डिवाइस में यहाँ पर 3 सिम कार्ड स्लॉट भी दी गई हैं। अगर आप और भी सिम लगाना चाहो तो 3 सिम आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसके अलावा आप इसे लेन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो और वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। डिवाइस में यहाँ पर एक TF कार्ड स्लॉट दी गई है, इसमें मैंने अपना TF कार्ड लगा दिया है। कार्ड में आप अपनी कोई इमेज है, म्यूजिक है, लोगो है, उसे आप इस डिवाइस में इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो पावर का बटन दिया गया है इसे प्रेस करेंगे, ये देखिए स्टीम टेक्नो बॉन्डिंग एनकोडर राउटर। जब आप इस डिवाइस को ऑन करोगे तो इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पर सिलेक्ट करके आप अपना कोई भी नया प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ पर दे सकते हो, आपको लैंडस्केप में रखना है, पोर्ट्रेट में रखना है, आपको रेजोल्यूशन क्या रखना है, इसमें आप 4K क्वालिटी तक सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप FPS वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये सेटिंग कर लेनी है। और अगर आपका पहले से कोई प्रोजेक्ट सेव हो रखा है तो यहाँ पर ओपन प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। और FPS वैल्यू 30 FPS मैंने रखी है और उसके बाद मैं ओपन प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही हम ओपन प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं अब आपको इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलेगी। अगर आपने 2 कैमरा कनेक्ट कर रखे होंगे, फर्स्ट कैमरा यहाँ दिखेगा
और दूसरा कैमरा यहाँ दिखेगा। इसके अलावा ये है हमारी प्रोग्राम विंडो। अब हमारी डिवाइस का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, दोनों डोंगल सही से काम कर रही हैं, दोनों सिम मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो HDMI पोर्ट दिया गया है, इस HDMI पोर्ट पर मैंने अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हमें एक HDMI इनपुट मिल जाता है और एक SDI इनपुट मिल जाता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर अपने लैपटॉप की स्क्रीन को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। लैपटॉप के HDMI पोर्ट पर एक केबल लगाई है और HDMI का दूसरा हमने यहाँ पर HDMI इनपुट पर लगा दिया है। ये वाली हमारी प्रोग्राम विंडो है, यहाँ पर एक HDMI इनपुट है और एक SDI इनपुट है। तो फिलहाल SDI की कोई डिवाइस मेरे पास नहीं है, तो मैंने केवल HDMI केबल के थ्रू अपना लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है। सबसे पहले ऊपर यहाँ आप देख रहे हो चार LED इंडिकेटर दिए गए हैं। ये वाला इंडिकेटर रिकॉर्डिंग को दिखाता है, जब रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो ये ग्लो करेगा। इसके अलावा ये लाइव स्ट्रीमिंग का शो करता है और ये लॉक स्क्रीन का शो करता है और ये है हमारा नेटवर्क का। नेटवर्क इस समय प्रॉपर आ रहा है इसलिए ये ग्रीन हो रखी है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना हो, यहाँ से आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आपको नेटवर्क के सारे सिग्नल देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ वर्जन शो हो रहा है, कौन सा वर्जन है इसका, वो सब आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमारा SD कार्ड शो हो रहा है, बैटरी स्टेटस शो हो रहा है और उसके बाद एक सेटिंग का बटन यहाँ पर आ रहा है। सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ से आप थोड़ी बहुत सेटिंग्स जो करनी है वो आप कर सकते हो। जैसे रिकॉर्ड की आपको सेटिंग करनी है, क्या रिकॉर्डिंग की क्या सेटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। कितना रेजोल्यूशन रखना है, वीडियो बिटरेट रखना है, बिट कंट्रोल, GOP, ये सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ऑडियो बिटरेट वगैरह सब कुछ आप रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ सेट कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रीम पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रीम सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है और स्ट्रीम प्लेटफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। आपको लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप करने के लिए यहाँ पर स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं RTMP, RTMP2, SRT का ऑप्शन भी मिल जाता है, लाइव प्लस यूनाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। मान लो आपको यूट्यूब पर लाइव करना है तो आपको RTMP वाला ऑप्शन ऑन करना है। यहाँ पर आपको एड्रेस और स्ट्रीम की का ऑप्शन दिखेगा। एड्रेस में आपको अपना URL डाल देना है यूट्यूब का और यहाँ पर स्ट्रीम की आपको डाल देनी है। तो वो मैंने दोनों यहाँ पर एंटर कर दी हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको इसे इनेबल कर देना है। तो यहाँ पर आपका ये एड्रेस इस तरह से सेव हो जाएगा और उसके बाद इसे हमें बैक कर देना है। इसके अलावा SRT का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर यूज़र का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप अपना यूज़र ID लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा नेटवर्क बॉन्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो जो भी आपके नेटवर्क हैं इसके अंदर, जैसे वाईफाई का ऑप्शन आ रहा है, वाईफाई के थ्रू कर सकते हो, एथरनेट के थ्रू कर सकते हो, लेन का आ रहा है, 4G सिम का आ रहा है, एप्लीकेशन मोड आ रहा है, बहुत सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको इंटरनेट बॉन्डिंग की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा जनरल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश रखनी है, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, टाइम जोन सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अबाउट का आ रहा है, इसके अंदर आपकी डिवाइस की सारी डिटेल आ जाती है। तो इसे बैक कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो जो पहला ऑप्शन है ये है लाइव स्ट्रीमिंग का। लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप करने के बाद जब आपको लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी हो तो आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है इस बटन को, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो LED इंडिकेटर है ये ऑन हो जाएगा ग्रीन कलर में, इट मीन्स हमारी रिकॉर्डिंग इस समय चल रही है। रिकॉर्डिंग को ऑफ करना हो तो फिर से एक बार रिकॉर्डिंग पर प्रेस कर दीजिए और ओके पर प्रेस कर दीजिए, आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर लॉक का बटन आ रहा है, जब यहाँ पर आप सारी सेटिंग कर लो उसके बाद आप इसे अगर क्लिक कर दोगे तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी, जिससे कि गलती से कुछ उल्टा पुल्टा यहाँ पर ना दब जाए या कुछ प्रेस हो जाए, तो उसके लिए लॉक का ऑप्शन दिया गया है। राइट की तरफ स्वाइप कराओगे तो ये अनलॉक हो जाएगी, स्क्रीन हमारी अनलॉक हो गई और ये जो लॉक वाली LED थी वो बंद हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्लस का बटन दिखाई दे रहा है, प्लस के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे आप कोई लोगो वगैरह ऐड करना चाहो तो अपने SD कार्ड के थ्रू, जैसे मैंने अपने SD कार्ड में डाल रखा है तो SD कार्ड का सारा कंटेंट यहाँ दिख रहा है। जैसे लोगो लगाना है या कोई इमेज लगानी है तो वो आप आराम से लगा सकते हो। जैसे हमने अपना लोगो यहाँ से सिलेक्ट किया
उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ पर आ गया, ये लोगो यहाँ दिख रहा है, इस लोगो को हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाना है। यहाँ पर इसे लोगो को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद PGM पर क्लिक कर दो, आप देखोगे हमारा लोगो यहाँ पर आ गया। इसी तरह से कोई भी इमेज अगर आपको यहाँ ऐड करनी हो तो वो इमेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो प्लस के बटन पर क्लिक करके। इसके अलावा PGM के बाद यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको अपने लोगो को एडिट करना है तो यहाँ से आप इस पिक्चर को एडिट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इससे आप चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड आप देख रहे हो ये वाला जो ऑप्शन है, ये आपका इमेजेस का ऑप्शन है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे बॉन्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, बॉन्डिंग पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारा नेटवर्क आपका दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है, जैसे जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में हमें क्या स्पीड मिल रही है, कौन कौन से नेटवर्क यूज़ हो रहे हैं, वो सारे नेटवर्क आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। या आप देख सकते हो एथरनेट का दिख रहा है, वाईफाई दिख रहा है, SIM 1, SIM 2, SIM 3 और डोंगल का दिख रहा है, जियो और एयरटेल। इसके बाद आप इस पर क्लिक कर दो, बैक कर लो। उसके बाद बॉन्डिंग का ऑप्शन है, फिर ऑडियो मिक्सर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप ऑडियो सेट कर सकते हो, पूरा आपका ऑडियो का यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ से आप ऑडियो के वॉल्यूम वगैरह को सेट कर सकते हो, मॉनिटरिंग का है, हेडफोन का है, ये सब यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ऑडियो मिक्सर के बाद यहाँ पर एक PIP का ऑप्शन आ रहा है, पिक्चर इन पिक्चर। पिक्चर इन पिक्चर पर क्लिक करोगे तो जैसे मान लो ये वाला मोड हमें सिलेक्ट करना है, A to B इस तरह से दिखाना है, तो इसे हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद PGM पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे हमारी स्क्रीन इस तरह से दिखाई देगी। PIP के बाद OSD का ऑप्शन आ रहा है, OSD पर क्लिक करके आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट वगैरह अगर आपको ऐड करनी है, इमेज ऐड करनी है, लोगो वगैरह ऐड करना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। जो भी आपके ओवरलेज वगैरह हैं वो भी आप यहाँ पर इंपोर्ट करके लगा सकते हो। OSD के बाद ट्रांजिशन इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ट्रांजिशन पर क्लिक करके यहाँ से आप ट्रांजिशन सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से ट्रांजिशन इफेक्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा सबटाइटल्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप सबटाइटल्स ऐड कर सकते हो। इसके अलावा उसकी स्पीड को भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो, फास्ट रखना है, मिडिल रखना है, स्लो रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपके टेक्स्ट किस तरह के होने चाहिए, सबटाइटल्स होने चाहिए, टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर क्या हो, वो सारी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। इसे बैक कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हम इस तरह से ये सारे फंक्शंस हमें मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। इस डिवाइस में लाइव स्ट्रीमिंग करना बहुत ही आसान है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको लाइव स्ट्रीमिंग का अपना RTMP URL और RTMP की आपको डाल देनी है, सेव कर लेना है। लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के लिए अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, ग्रीन कलर का LED इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर ये पूरा फुटेज आपका दिखाई दे रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर चल रही है। डिवाइस में यहाँ पर ऊपर की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक LAN का पोर्ट दिया गया है, तो ये केवल LAN का पोर्ट नहीं है, इसे आप WAN पोर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यानी इसमें आपने अपने सिम लगा रखे हैं, डोंगल लगा रखा है, तो इस डिवाइस में हमें इंटरनेट मिल रहा है। अब इस इंटरनेट को अगर हम अपने किसी लैपटॉप पर यूज़ करना चाहें, किसी दूसरी डिवाइसेस पर यूज़ करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस तरह की एक RJ45 कनेक्टर वाली केबल ले लेनी है, जिसके एक एंड को आपको अपने लैपटॉप के LAN पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है और दूसरे को हमें इसके WAN पोर्ट पर कनेक्ट करना है। तो यहां पर मैंने अपने लैपटॉप को इस केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी हमारी जो डिवाइस का ये पोर्ट है ये LAN पोर्ट का काम कर रहा है, तो इसलिए जो हमारे सिम के थ्रू जो यहां पर हमने सिम कार्ड लगा रखे हैं, डोंगल लगा रखी है, उसका जो नेटवर्क है उसे हम अभी लैपटॉप पर यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें LAN पोर्ट को WAN पोर्ट में कन्वर्ट करना होगा। बहुत ही आसान है, इसमें एक ऑप्शन मिलता है हमें स्विचिंग का, यहां पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है नेटवर्क बॉन्डिंग, नेटवर्क बॉन्डिंग पर क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर यहां पर ईथरनेट का ऑप्शन आ रहा है। अब इसके आगे आप देख रहे हो ईथरनेट में LAN का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इट मींस हमारा ये पोर्ट LAN का काम कर रहा है। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, यहां पर आपको ऑप्शन आएगा स्विच टू LAN, तो इसे हमें यहाँ पर स्विच कर देना है। जैसे ही आप इसको स्विच करोगे तो ये हमारा WAN में स्विच हो जाएगा। आपको एक बार फिर से इसे बैक करना है,
उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ये लेन का ऑप्शन ये आ रहा है और ऊपर जो हमारा इथरनेट था ये वैन पोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये सेटिंग करने के बाद अब आपको अपने लैपटॉप पर जाकर चेक करना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो इस डिवाइस का जो इंटरनेट है उसे हम अपने लैपटॉप पर भी यूज कर पा रहे हैं इस केबल के थ्रू। अब आप चाहो अपने लैपटॉप को कनेक्ट करो, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी मोबाइल डिवाइसेस को भी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो, इस डिवाइस के इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हो, तो आपको सिंपल इस केबल का जो दूसरा एंड है वो आपको अपने किसी भी वाईफाई राउटर पर कनेक्ट कर देना है। तो ये डिवाइस आपका एक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट कर देगी और आप अपने मोबाइल फोन्स को भी यूज़ कर पाओगे। दोस्तों जैसे कि आपने देखा स्टीम टेक्नो का ये इंटरनेट बाउंडिंग राउटर बहुत ही कमाल की डिवाइस है। इसमें आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, इसमें आप एक साथ 5 सिम कार्ड कनेक्ट करके इंटरनेट बॉन्डिंग की सुविधा ले सकते हो। अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हो तो मैंने एक कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हो, इस डिवाइस को परचेज कर सकते हो। अगर हम इसके इंटरनेट बॉन्डिंग सर्वर की बात करें तो जब आप इस डिवाइस को परचेज करोगे तो 1 साल तक आप इनकी सर्विस जो है इंटरनेट बॉन्डिंग वाली सर्विस है वो बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड यूज कर पाओगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।